नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की राजनीति एक अदद हैंडपंप को लेकर गरमा गई। प्रशासन ने सड़क के बीच आ रहे हैंडपंप को हटा दिया। इस पर कांग्रेस ने हैंडपंप को वापस लगाने की मुहिम छेड़ दी। उधर हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा संभाल लिया कि हैंडपंप को उसी जगह पर हम नहीं लगने देंगे। एक हैंडपंप के लिए जान दांव पर है। एक हैंडपंप के लिए कदर मचा है। एक हैंडपंप के लिए विधायक ताकत दिखा रहे हैं। एक हैंडपंप के लिए थाने की तरफ पूछ कर दिया। सवाल ये कि हैंडपंप उखाड़ा तो क्यों उखाड़ा? अनिल शर्मा की फिल्म में सनी देओल ने हैंडपंप उखाड़ा तो गदर का रंग जम गया, लेकिन यूपी में इससे बड़ा गदर तो रियल लाइफ में हो गया। वजह वही थी, एक अदद हैंडपंप। हैंडपंप भी ऐसा कि जिसके लिए माननीय सड़कों पर आ गए। भगवाधारियों ने मोर्चा संभाल लिया। हम बताते हैं कि क्या है ये हैंडपंप गाथा और क्यों मचा गदर। सहारनपुर के बेहट कस्बे में तंग सी गली में ठीक इसी जगह पर एक हैंडपंप हुआ करता था। शिकायत हुई कि आने जाने से दिक्कत होती, लिहाजा प्रशासन ने हैंडपंप को उखाड़ कर जमीन समतल कर दी। हैंडपंप तो उखड़ गया, लेकिन सियासत ऐसी जमी कि तीन दिन से शोले उगल रही है। रविवार को यह हैंडपंप उखड़ा और उसके बाद कांग्रेस के दो दो विधायक नरेश सैनी और मसूद अख्तर हैंडपंप वाले जगह पर जाने पर अड़ गए। इसके बाद तो हैंडपंप के लिए घमासान मच गया। पुलिस ने हाईवे पर बैरिकेडिंग कर दी। पुलिस ने सख्ती दिखाई और दोनों विधायकों ने ताकत। कांग्रेस की एक ही मांग थी कि हैंडपंप दोबारा लगे। बाद में दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस ने हैंडपंप के लिए जंग छेड़ी तो जवाबी वार बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने किया। दोनों के कार्यकर्ताओं ने थाने की तरफ कूच कर दिया। एसडीएम को ज्ञापन देने से पहले थाने में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया। कांग्रेस कहती है कि हैंडपंप वहीं लगाओ और बजरंग दल समेत हिंदूवादी संगठनों ने कहा कि खबरदार ऐसा मत करना। कोई हैंडपंप की उम्र 60 साल बताने लगा तो कोई 40 साल। वो 80 साल के बुजुर्ग हैं, जब मैं वहां गया उनके आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि बेटा मैंने ये 60 साल पहले लगवा था अपने पैसे से। 20 साल वो साधारण नल चलाया और 40 साल से वो नगर पंचायत का नल चल रहा है। उस नल से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। यहाँ नल प्रशासन ने एक व्यवस्था के तहत वो उखाड़ा, क्योंकि सड़क के बीच में आ रहा था, प्रशासन ने वो उखाड़ दिया। अब पुलिस के लिए हैंडपंप गले की हड्डी बन गया है। पुलिस कह रही है कि सबको मिल बैठ कर बात करेंगे। निष्कर्ष अभी निकल रहा है और इस पर हम आगे इनसे बात करेंगे। कल दूसरा हैंडपंप लगेगा जो उसमें भी है, तो इसमें जो भी पूरी सर्वसहमति से जो भी डिसीजन निकल के आएगा वो लिया जाएगा जो स्थानीय लोगों के द्वारा और जो मंत्रीगण हैं और विधायकगण हैं और स्टेक होल्डर जितने भी हैं उन सबको बैठा कर जो भी परस्पर निर्णय इसमें डिसीजन निकला वो हम। साफ है कि मामला ना पानी का है ना ही हैंडपंप का, असली विवाद है सियासत का। अनिल भारद्वाज, सहारनपुर, आज तक। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।